हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल ज्योमेट्री की। इसमें सबसे पहले देखते हैं एंगुलर डिस्टेंस। अगर हम अर्थ की बात करें तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसे हम इक्वेटर कहते हैं। ये इक्वेटर जो सेंटर पे है, और इसके अलावा हमारे पास एक प्राइम मेरिडियन भी है जो एंगल हम नापते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वो या तो इक्वेटर से नापते हैं, लैटिट्यूड इक्वेटर से जाती है ऊपर, और लॉन्जिट्यूड जो है वो प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन जो है जीरो हम उसको लैटिट्यूड मानते हैं, वो ग्रीनिच लंदन से जाती है। तो लैटिट्यूड ये एक एंगल होता है किसी पॉइंट का, क्या पॉइंट है ये, अबव और बिलो द इक्वेटर। ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर इससे कितना ऊपर एंगल है, इस एंगल को हम लैटिट्यूड कहते हैं। या अगर ये नॉर्थ की बात हो गई, अगर हम साउथ की बात करें तो ये जो एंगल है इसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एंगल्स है, किससे, आपके इक्वेटोरियल प्लेन से। तो लैटिट्यूड ये नॉर्थ और साउथ पर अभी आपने देखा, जो स्मॉल सर्कल है जो पैरेलल होते हैं इक्वेटर से, उसे हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। यानी कि अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं तो ये पैरेलल होगा, ये पीछे की तरफ भी जा रहा है और पीछे से भी वापस आ रहा है, क्योंकि इसको आप एक स्फीयर की तरह मान सकते हैं या स्फेरॉइड की तरह मान सकते हैं। और ये एंगल है किसके बीच में, इक्वेटर और जो स्मॉल सर्कल इनके बीच में। लैटिट्यूड इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द सेंटर, अगर आप इसको सेंटर कहीं माने इस जगह पे, तो यहां से आप इसको यहां तक उठाएं इस पॉइंट तक, और ये आपका इक्वेटर है। तो ये एंगल जो होगा ये आपका लैटिट्यूड होगा, और ये इसी पॉइंट, इस पॉइंट के लिए भी सेम रहेगा, किसी भी पॉइंट पे आप जाएंगे तो आपको लैटिट्यूड मिलेंगे। ये देखिए, ये जो आपका सर्कल है लैटिट्यूड है, इसकी ये 50 डिग्री है यहाँ पर, तो लैटिट्यूड इसका हो गया 50 डिग्री। लेकिन इसके साथ आपको नॉर्थ भी लिखना है क्योंकि ये नॉर्थ पोल में है। यदि हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये अगर नीचे की बात करें साउथ की, यहां पर भी ये जो सर्कल बन रहा है इसे हम पैरेलल्स कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल क्यों है, क्योंकि ये पैरेलल है किससे, इक्वेटर से, इक्वेटोरियल प्लेन से पैरेलल है, इसलिए हम इसको पैरेलल्स भी कहते हैं। यहां पर कितनी लैटिट्यूड हो गई, 30 डिग्री रहेगी, इसको माइनस में नहीं लिखते हैं, 30 डिग्री है, लेकिन ये साउथ में है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। अब एंगुलर डिस्टेंस की बात करें, अगर अपोजिट साइड में है एंगुलर डिस्टेंस, तो ये कैसे मिलेगा आपको, जो एंगुलर डिस्टेंस है, एंगल जो अपोजिट साइड में है इक्वेटर के, उसको किस तरीके से आप करेंगे, आप एंगल्स को ऐड करेंगे। जैसे ये 50 डिग्री है, अब मान लीजिए आप इक्वेटर के इस साइड यहां पर है नॉर्थ में, और यहां आप साउथ में है, ये 50 डिग्री था, ये 30 डिग्री है, कितना हो जाएगा कुल मिला के, जो एंगुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट का, इस पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस होता है, जो लैटिट्यूड है उनको आप ऐड कर दीजिए, तो आप 50 डिग्री और 30 डिग्री को ऐड कर दीजिए, आपका आएगा 80 डिग्री डिस्टेंस है, इसलिए साउथ या नॉर्थ कुछ नहीं रहेगा। अगर सेम साइड है, मान लीजिए अगर आपका एंगुलर डिस्टेंस निकालना है और एक ही साइड में दोनों पॉइंट है, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एंगल को, जैसे ये 50 डिग्री है इस पॉइंट का, और इस पॉइंट पर कितना है 30 डिग्री, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितने निकलेगा, 50 - 30 - 50 - 30 नॉर्थ और साउथ लेंगे, और यहां पर 20 डिग्री आएगा। तो ये 20 डिग्री में कोई नॉर्थ साउथ नहीं होगा, ये 20 डिग्री इनके बीच में एंगुलर डिस्टेंस है। अब नॉटिकल माइल की बात करें, अगर डिस्टेंस नॉटिकल माइल में निकालना चाहेंगे आप और अपोजिट साइड में है, तो एक डिग्री जो होता है 60 नॉटिकल माइल के बराबर होता है। बस ध्यान रखिएगा, 1 डिग्री एट इक्वेटर इज इक्वल टू 60 नॉटिकल माइल। ऊपर कम होता है, लेकिन हम इसको अभी इक्वेटर पे ही कंप्यूटेशन करते हैं। तो कितना हो गया ये, एक डिग्री मतलब हो गया 60 नॉटिकल माइल। तो 50 डिग्री और 30 डिग्री कितना था अभी, हमने यहां से गिना था, हम अगर अपोजिट साइड में होता तो 50 और 30 को ऐड कर देते हैं, तो 80 हो गया। जैसे ही 80 हो गया तो 80 डिग्री, अब आप चाहिए इसको किलोमीटर, मीटर या नॉटिकल माइल में निकालना चाहते हैं, तो ये माइल, नॉटिकल माइल कितना, एक डिग्री 60 नॉटिकल माइल के बराबर, तो 80 × 60 कर देंगे आप, कितना आ गया ये 4800 एम क्या है, नॉटिकल माइल। अब आपका मन है कि मैं इसको किलोमीटर में चेंज करूं, तो एक नॉटिकल माइल होता है 1.853 किलोमीटर के बराबर, तो आप 4800 को 1.853 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 8894.4, कितने में आ गया ये, किलोमीटर। तो 80 डिग्री का अगर अंतर है तो इतने किलोमीटर आप दूरी पे है, जिसे हम एंगुलर मेजरमेंट में नाप रहे हैं, तो 8900 करीब आपका आ गया। अगर सेम साइड में लेना चाहे, अगर आप नॉटिकल माइल या फिर डिस्टेंस आपका मन है कि अब मैं सेम साइड में ही नापूंगा, किसमें, किलोमीटर में और नॉटिकल माइल में, तो एक डिग्री 60 नॉटिकल माइल के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ 50 डिग्री इसका था, 30 डिग्री इसका था, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये कितना हो गया हमारा, ये आ गया 20 डिग्री। 20 डिग्री को आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1200 नॉटिकल माइल।
अब आपका मन है कि मैं इसको किलोमीटर में जानना चाहूंगा, 1200 को 1.853 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 223.6, तो 2200 किलोमीटर करीब आ जाएगा आपका। अब ग्रेट सर्कल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट सर्कल, क्योंकि ये ग्रेट सर्कल है आपका। अब अर्थ का रेडियस है करीबन 6400 किलोमीटर, अगर एक्चुअल बताऊं तो ये होता है 6371 किलोमीटर, कई जगह 6378 भी लेते हैं, तो ये आपके ऊपर है आप कौन सा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन का कर रहे हैं तो 671 लेंगे, और बाकी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो 678 ले लीजिए। तो अगर ये डिस्टेंस है इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना है 70 डिग्री, तो अर्थ रेडियस कितना है 6400। अगर आपको ये डिस्टेंस निकालना है तो आप लिखेंगे 3θ/360 × 2πr, यानी 70 डिग्री बाय 360 इंटू 2πr, आर कितना है 6400, कितना है ये 6400 किलोमीटर, ये कितना आ गया 78190 पॉइंट, जो भी आपका पॉइंट में आता है, तो कुल मिला के हो गया 78200 किलोमीटर। ये आपका ग्रेट सर्कल, ये पूरा ग्रेट सर्कल डिस्टेंस है आपका। अब आप कहते हैं कि मैं इस 30 के बारे में जानना चाहूंगा, तो थीटा बाय 360 इंटू 2πr, यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ 30 रख दीजिए, 30/360 × 2πr, आर आप 6400 ले रहे हैं तो कितना आ गया करीबन 3400 किलोमीटर आ गया। अब डिस्टेंस आप नापना चाहते हैं, अब स्पीड भी बोलते हैं कि मुझे तो अब ये भी चाहिए, डिस्टेंस स्पीड भी चाहिए, तो कैसे आएगा, जो एयरप्लेन मान लीजिए ट्रेवल कर रहा है 70 डिग्री अलॉन्ग अ ग्रेट सर्कल इन 10 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड, तो इसको ये कैसे निकालेंगे आप। पहले तो एक बात जान लीजिए, 1 knot जो होता है, हवाई जहाज की बारे में बात करेंगे तो 1 mph होता है, 1 mph। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया 1 mph, मतलब आप जानते हैं 1 mph मतलब 70 डिग्री, 1 डिग्री होता है 1 nautical mile, 1 knot जो होता है 1 m/h, तो 60 मैंने बताया था, 1 degree कितना होता है 60 nautical mile, तो 70 को 60 से मल्टीप्लाई करिए 4200 आ गया, 4200 आपका कितना है डिस्टेंस, और अब स्पीड कितना हो गया, आपको टाइम मिल गया। आप जानते हैं डिस्टेंस को अगर मैं यहां से टाइम से डिवाइड करता हूं तो स्पीड आ जाएगी, तो कितना हो गया ये 420 ये नॉटिकल माइल्स पर आवर, 420 नॉट्स, माइल पर आवर कितना होता है 1 knot के बराबर होता है, 1 knot इज 1 mph। अब आप शिप पे आ गए, शिप ट्रेवल करता है 5 degree ग्रेट सर्कल पे 5 घंटे में, आप किसकी स्पीड बतानी है, 1 knot मैंने बताया, 1 knot ये नॉटिकल माइल्स पानी के लिए होता है, नॉट जो होता है हवाई जहाज के लिए होता है, तो चलिए हम दोनों को इधर उधर यूज करते हैं, कितना हो गया d5 5 degree, मैंने बताया था एक जो डिग्री होता है वो 60 नॉटिकल माइल के बराबर होता है, तो 1 degree कितना हो गया 5 × 5 है ना 5 degree, तो 1 degree 60 है तो 5 degree 5 × 60 हो जाएगा, यानी कि 300, ये 300 नॉटिकल माइल हो गया। स्पीड आप जानते हैं इस डिस्टेंस को, मैं अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है, टाइम हमारा 5 घंटे डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 60 mph आ गया। अब 1 mph क्या है 1 knot है, तो 60 knots। तो ये हमने कुछ स्फेरिकल ज्योमेट्री देखी, अगर अर्थ पे कोई चीज जा रही है या मूव कर रही है तो उस अर्थ के कर्वेचर के हिसाब से क्या हम कैलकुलेशन करेंगे वो जानने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।